हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अमित सिंह में। तो आज हम आपको दिखाते हैं दुबई का नज़ारा। दुबई कैसा लगता है घूमने ले? एडवेंचर प्लेस बहुत ही अच्छा है। चलिए, हम लोग पहुंच गए हैं रस अल खैमा एयरपोर्ट। वहां से हम लोग जाएंगे, यहां पे महौला बस स्टॉप शारजा में है। शारजा से फिर हम लोग वहाँ से पिक किया जाएगा बस के द्वारा। तो उसके बाद आएँगे हम लोग जबल अली रोड। तो दिखाते हैं आपको नज़ारा यहाँ का, जो दुबई के अच्छा अच्छा सीन है। यहाँ पे एडवेंचर प्लेस बहुत ही अच्छा है। एडवेंचर के लिए अगर आना हो तो दुबई आइए, क्योंकि यहाँ पे हरे भरे ग्राउंड्स और रेत ये सब आपको देखने को मिलेंगी। ट्रैफिक रोड्स, रोड बिल्डिंगें बहुत ही अच्छी अच्छी एडवेंचर चीज़ें भी आपको मिलेंगी देखने के लिए, जो आप कभी देखे नहीं होंगे, शॉक कर जाएंगे। ऐसे ऐसे एडवेंचर चीज़ देखने को मिलेगी। ये देखिए यहाँ का ये जो मस्जिद है, आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा है। आगे से इसका हम दिखाएंगे बाद में आपको। तो आप देख लीजिए ग्राउंड हरा भरा है। ये बस यहाँ पे जो भी होता है ट्रैफिक नियम का पूरा फुल पालन किया जाता है, बस उसी के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ हैं स्पीडिंग के अकॉर्डिंग चलती हैं, जैसे कि अलग अलग रोड बनाया गया। मैक्सिमम हाई स्पीड छोटी गाड़ियाँ 100 या 110 की स्पीड में चलती हैं, जो बसेस होती हैं वो 80 की स्पीड में चलती रहती हैं। तो आप ये इसका नज़ारा देख सकते हैं, शाम का नज़ारा है। ये पूरी रेगिस्तान है, रेगिस्तान में देखिए कैसे केवल रेत बालू आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही यहाँ का टेम्परेचर 48 डिग्री टेम्परेचर था पहले, अब इस समय हो गया 42 डिग्री टेम्परेचर। ये बिल्डिंगें देख सकते हैं, रेत देख सकते हैं, रोड यहाँ का देख लीजिए। आगे देखिए रोड, ये बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ये विला इसको कहते हैं। विला मतलब ये होता है अलग अलग, यहाँ पे जो राजा का राज चलता है, यहाँ पे कोई ज़मीन खरीद नहीं सकता मतलब, तो राजा के द्वारा एग्रीमेंट कराया जाता है, तो वही राजा इसको विला बनवाते हैं। विला बनवा के उन सबको दिया जाता है, कैसे कैसे विला रहता है। तो ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं इजीली कि ये कैसा है, क्या हो रहा है, कैसे चल रहे हैं। ये सब ट्रैफिक रूल के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। और यहाँ का जो सीन है बहुत ही लाजवाब सीन है, आप इसके अलावा यहाँ से कहीं देख नहीं सकते हैं इसी इतना बेहतरीन सीन। क्योंकि यहाँ पे जो ग्रीन ग्राउंड भी है, रेत भी आएंगे, जो सॉइल है, ये सब हमको देखने मिलेंगे अच्छे अच्छे से। ये आप देख लीजिए, देखते रहिएगा नज़ारा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो हम लोग महौला बस स्टॉप पे नहीं पहुँचे, महौला बस स्टॉप पहुँच जाएंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे जबल अली रोड के लिए। तो ये देखिए, ये यहाँ का सबसे फेमस जो हम लोगों की फैक्ट्री है वो कही जाती है। यहाँ का गाँव है, गाँव के तरफ का नज़ारा है। जैसे कि अभी महौला शारजा बस स्टॉप के पास का ये नज़ारा है। अभी हम लोग वहीं पर पहुँचे हैं, शारजा बस स्टॉप महौला, ये वहीं का दृश्य है। देखिए यहाँ का, यहाँ की जो बिल्डिंगें हैं आप देख सकते हैं, सब एक जैसा बनाया जाता है, क्योंकि सबको एक जैसे रखने के लिए राजा का परमिशन रहता है। तो ये देखिए बिल्डिंग कितनी अच्छी है, हरी भरे मैदान है, सूखे भी हैं, रेत भी हैं, आपको हम दिखाएंगे ये। अब यहाँ से हम निकलते हैं जबल अली रोड के लिए। ये देख सकते हैं बस में बैठ गए। यहाँ पे ट्रैफिक रूल का देखिए, यहाँ पे राइट साइड से सारी लो स्पीड गाड़ियाँ राइट साइड से चलती हैं और लेफ्ट साइड से हाई स्पीड गाड़ियाँ चलाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ के ट्रैफिक रूल ये इंडिया से बहुत ही अलग है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Subscribe my channel, please.